गाइस क्या आप लोग को पता है इस लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? सो गाइस मैं भूल गया यार, प्लीज़ आप लोग को पता हो तो मुझे ज़रूर बता देना। सो गाइस एक कॉमन प्रॉब्लम है, लैपटॉप का पासवर्ड भूल जाना, या आपके किसी फ्रेंड का लैपटॉप है या कोई लैपटॉप है उसका पासवर्ड आपको नहीं पता, या उस ओनर को भी नहीं पता लैपटॉप का पासवर्ड क्या है, वो भूल गया, तो इजीली आप रिकवर कर सकते हो। मैं आपको नहीं बताऊंगा नया विंडो डालने के लिए, नया विंडो डालना मतलब आपका डेटा लॉस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। तो 5 मिनट का प्रोसेस है, कुछ मिनटों में आप पासवर्ड हटा सकते हो और अपना जो डेटा है वो उसे आप पा सकते हो इजी तरीके से। तो उसके लिए आपको एक फ्लैश ड्राइव की ज़रूरत होगी, पेन ड्राइव की ज़रूरत होगी, मिनिमम 8 GB का पेन ड्राइव आपके पास होना चाहिए। तो चलिए फटाफट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक सॉफ्टवेयर के जरिए ये सब हम करेंगे, तो स्टेप्स बहुत ईजी है, एक एक करके फॉलो करना। सो गाइस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को आपको पेन ड्राइव में बूटेबल बनाना है। आप CD DVD से भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको पेन ड्राइव में करके बताऊँगा। तो सिंपली आपको एक दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, उस लैपटॉप कंप्यूटर में आपको लिखना है फोकस ऑन विंडोज़ पासवर्ड रिकवरी और जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उसे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर का नाम है Pass5 4 WinKey। तो मेरे सारे व्यूवर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, उन लोगों को मालूम है इस सॉफ्टवेयर का पायरेटेड वर्जन, क्रैक वर्जन कहाँ से डाउनलोड करें। सो गाइस मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, तो डायरेक्ट मैं आपको मेन चीज़ बताऊँगा, मेन स्टेप बताऊँगा, मेन प्रोसेस बताऊँगा क्या है, क्या करना है आपको। तो डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो बढ़ते हमारे मेन स्टेप पे, तो सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन कर रखा है और पेन ड्राइव को आपको अटैच कर देना है आपके उस दूसरे लैपटॉप में जिस लैपटॉप से आपको इंस्टॉल करना है। तो सिंपली आपको USB पेन ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको इस सारे फाइल्स को बर्न कर देना है इजी तरीके से। बर्न पर आपको क्लिक करना है, तो ये पूछेगा आपके सारे डेटा रिमूव हो जाएंगे, तो आपको इरेज कर देना है। कुछ पेन ड्राइव में इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे तो उसे आप पहले से ही निकाल के रख लेना है और दूसरी जगह पे, नहीं तो जो आपका जो पर्सनल डेटा है वो सारे उड़ जाएंगे। सो गाइस जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो सक्सेसफुली बर्न हो गया है पेन ड्राइव में। सो सारे PC के अलग अलग बूट ऑप्शन खोलने के रहते हैं, जैसे PC रिस्टार्ट करोगे तो F9, किसी PC में F2 या F12, तो अलग अलग ऑप्शन रहते हैं बूट खोलने के। तो हमारा सक्सेसफुल हो गया तो सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देते हैं, कट कर देते हैं, और पेन ड्राइव में आपको खोल के बताऊँगा कि आपको किस तरह से बूट फाइल्स देखने मिल जाएगा। तो पेन ड्राइव ओपन करते हैं फटाफट, देख सकते हो कुछ इस तरह के बूट फाइल देखने मिल जाएंगे आपको। तो अब बढ़ते हैं हमारे उस सिस्टम पे जिस सिस्टम का पासवर्ड हमें नहीं पता, जिस लैपटॉप का पासवर्ड हमें नहीं पता, तो चलिए देखते हैं। गाइस ये वो लैपटॉप है जिसका पासवर्ड हमें नहीं मालूम, तो हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, बूट किया था, बर्न किया था उस पेन ड्राइव में, ईजी आपको उस लैपटॉप में अटैच करना है और तुरंत बाद लैपटॉप को शट डाउन कर देना है। तो लैपटॉप को हम करेंगे अब शट डाउन आपके सामने। तो लैपटॉप को शट डाउन होने के बाद हर एक सिस्टम्स का, हर एक कंप्यूटर के कंपनी का अलग अलग बूट मैनेजर ओपन करने का की रहता है, किसी का F9, किसी का F2, तो किसी का F12 रहता है। तो सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और F12 दबा के हमने अपना बूट मैनेजर ओपन कर लिया है। बूट मैनेजर ओपन करने के बाद आपको पेन ड्राइव सेलेक्ट करना है, जो पेन ड्राइव आपने अटैच किया था, तो उस पेन ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद कुछ विंडोज़ के फाइल्स लोडिंग होंगे, तो उसे आपको हो जाने देना है। तो जैसे ही आपका विंडो स्टार्ट होगा, विंडो 10 आपका स्टार्ट होगा, जो भी आपका विंडो वो स्टार्ट होगा, उसके पहले आपका सॉफ्टवेयर जो रहेगा पासवर्ड रिकवरी वो तुरंत पॉपअप हो जाएगा आपके सामने। तो आप देख सकते हो रिकवरी सॉफ्टवेयर पॉपअप हो गया आपके सामने। तो ऐसे में आपको सेलेक्ट करना है आपका विंडोज़, जो आपका विंडो है वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है, और जिसे आपको अनलॉक करना है उसे आपको सेलेक्ट करना है, जैसे VMinds हो गया, आपका जो भी यूज़र नेम है या गेस्ट हो गया, तो जिसका पासवर्ड आपको नहीं पता उसे आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। तो बस नेक्स्ट करने के तुरंत 2 सेकंड बाद आपका जो पासवर्ड है वो सारे बैरियर जो रहेंगे पासवर्ड के वो सारे हट जाएंगे इजी तरीके से। तो आपको रिबूट कर देना है, रीस्टार्ट करना है PC, रीस्टार्ट लेटर नहीं करना है, रीस्टार्ट करना है आपको PC। तो रीस्टार्ट होते होते इसको आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे रीस्टार्ट होने में, पासवर्ड फिक्स करने में, उस बैरियर को हटाने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। सो गाइस ये जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा है इसमें आपको बीच में कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ना आपको PC शट डाउन करना है ना बंद करना है। तो हो जाने के बाद आपको देख सकते हो कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन शो करेगा, कॉन्ग्रेचुलेसन द अकाउंट सेटिंग विल बी इफेक्टिव चेंज। तो तुरंत बाद आपका साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन पर आप क्लिक करोगे तो आपका विंडो खुल जाएगा, आपका जो पासवर्ड है वो रिमूव हो जाएगा सक्सेसफुली। सो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो चैनल पर आती रहती है, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर पड़ी, आप उसे जाके देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस बस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।